हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोगों को अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलना पड़ता है जहाँ पर हम लोग कहते हैं कम से कम पास तो हुआ ना। इस सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते हैं, कम से कम मैं पास तो हुआ, कम से कम उसने बताया तो था, कम से कम मुझे बताना चाहिए था, कम से कम वो मेरी सेवा तो करता है, कम से कम वो सबकी बात तो सुनता है। तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। आज इसके इंग्लिश मीनिंग को भी जान लेते हैं, इसको इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कम से कम। इसके लिए हम लोग इंग्लिश में एटलीस्ट फ्रेज का यूज करते हैं। एटलीस्ट, इसको सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज कर सकते हैं? सबसे पहले आप लगाइए एटलीस्ट, उसके बाद आप कंप्लीट सेंटेंस बोल दीजिए, या नहीं तो एटलीस्ट का यूज जो है सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग टू आपको और भी बेटर तरह से समझ में आएगा कि एटलीस्ट का यूज आप कहाँ कहाँ सेंटेंसेस में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस, ताकि आपको जो है इस फ्रेज का इस्तेमाल और भी बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो आज का पहला सेंटेंस है कम से कम पास तो हुआ ना, या कम से कम मैं पास तो हुआ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एटलीस्ट आई हैव क्लियर द एग्जाम्स। एटलीस्ट आई हैव क्लियर द एग्जाम्स। नेक्स्ट सेंटेंस, कम से कम उसने बताया तो था। अगर सेंटेंस में जोर देना हो, पहले नॉर्मल सेंटेंस देखिए, इसके लिए बोलेंगे एटलीस्ट ही टोल्ड मी। एटलीस्ट ही टोल्ड मी मतलब बताया तो था किसे? मुझे, इसलिए यहाँ पर मैंने मी लगा दिया। अगर सेंटेंस में जोर देना हो तो क्या बोलेंगे? एटलीस्ट ही डिड टेल मी। एटलीस्ट ही डिड टेल मी। अगर सेंटेंस में जोर देना हो तो डिड लगा दीजिएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस, कम से कम तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। चाहिए था शुड हैव से बनाया जाता है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू शुड हैव टोल्ड मी एटलीस्ट। यू शुड हैव टोल्ड मी एटलीस्ट। एटलीस्ट को आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में और सेंटेंस के एंड में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, कम से कम वो मेरी सेवा तो करता है, या कम से कम वो सबकी बात तो सुनता है। यहाँ पर सेंटेंस पोजन इंडेफिनिट टेंस में है, बट सेंटेंस में जोर दे रहे हैं। सेंटेंस में जोर देते हैं तो उसको बोलते हैं इम्फेटिक सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या करेंगे? सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डज या डू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। किस तरीके से कम वो मेरी सेवा तो करता है, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एटलीस्ट ही डज सर्व मी। एटलीस्ट ही डज सर्व मी। अगर सेंटेंस आपको ऐसे बोलना हो कम से कम वे लोग मेरी देखभाल तो करते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एटलीस्ट दे डू लुक आफ्टर मी। एटलीस्ट दे डू लुक आफ्टर मी या टेक केयर ऑफ मी। नेक्स्ट सेंटेंस, कम से कम वो सबकी बात तो सुनता है, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एटलीस्ट ही डज लिसन टू एवरीवन। एटलीस्ट ही डज लिसन टू एवरीवन। हे गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी, एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।